प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि अगर कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग में किस प्रतिशत तक परिवर्तन आएगा। तो यह डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकती है। दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह इक्वल टू जीरो हो सकती है। तीसरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वह मोर देन वन, लेस देन वन और इक्वल टू जीरो, तो हमने लिख दिया एक यूनिट हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनिट। इसका मतलब ये है यदि कीमत में हल्का सा इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होती है, तो डिमांड जीरो हो जाएगी। यदि कीमत में हल्की सी कमी आएगी तो डिमांड इनफिनिट तक चली जाएगी। जैसे इस ग्राफ में हम शो करते हैं, ये प्राइसेस हैं, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। मान लीजिए इस कीमत पे हम इस क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कीमत हल्की सी इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड जीरो हो जाएगी। मान लीजिए जो कीमत है हल्की सी कम हो जाती है तो जो डिमांड है वो अनलिमिटेड हो जाती है, इनफिनिट हो जाती है। अर्थात आप इसका एक यूनिट, दो यूनिट, दस यूनिट, सौ यूनिट, 500 यूनिट खरीद सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो का मतलब यह है कि कीमत में जितना भी परिवर्तन आए जो डिमांड है वो फिक्स्ड है। मान हम 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे कीमत 10 रुपए हो जाए, 20 रुपए हो जाए, 5 रुपए हो जाए, 2 रुपए हो जाए, तो डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो जो डिमांड है वो फिक्स्ड है 4 यूनिट, तो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहते हैं जीरो। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कब होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तब होगी जब कीमत में जितना परिवर्तन आएगा उतना ही डिमांड में आएगा। जितने यूनिट कीमत के कम हुए उतने ही यूनिट डिमांड के इंक्रीज हो जाएंगे। यह डिमांड कर्व है, प्राइस में इतना कमी आया है तो डिमांड में इतना इंक्रीज आया है। मान लो कि कीमत में -5% की कमी आई है तो डिमांड में 5% की इंक्रीज हो जाएगी, तो जो ई है हमारा वो एक रहेगा। मान लीजिए अब यदि जो कीमत में
अमूल्य कमी आने पर यदि डिमांड उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है उस लेवल से, तो यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन होगी। मान लो हमारी जो कीमत है इतना परिवर्तन आता है, और डिमांड में यदि मान लो इतना कमी आई और डिमांड में इतने इंक्रीमेंट आए, तो यह जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मोर देन वन है। इसको एक बार फिर बनाते हैं ग्राफ को। एक लेवल पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कीमत में हल्का सा परिवर्तन आया है, डिमांड में उससे ज्यादा प्रतिशत की इंक्रीमेंट आई है, तो यह जो डिमांड कर्व है यह इलास्टिसिटी मोर देन वन है। इसको शो कर सकते हैं, जैसे 5% की कमी थी प्राइस में, तो 20% इंक्रीज हो गया, तो 4 है, जो कि 1 से अधिक है। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा है देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, मान लो प्राइस में ज्यादा डिक्रीज आया है, और इंक्रीज अगर क्वांटिटी में कम हो, तो यह है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो ये डिमांड कर्व बना है यह ई लेस देन वन होगा। यहाँ शो कर सकते हैं, अगर प्राइस में हमारा 20% की कमी आई है और इसमें सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है, तो यह 1/4.25 यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होगा। तो इस प्रकार से हम सभी तरह की डिग्री को मेजर कर सकते हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हैं। धन्यवाद।